ये देखिए आप कितनी लीटर का है, 2 लीटर का। ये 2 लीटर का कुकर आपको रख सकते हैं। मोस्टली ये आपको सिलेंडर रखने के लिए ही आता है। ये देखिए भैया के पास कस्टमर है तो इस वजह से हम भैया को परेशान नहीं करते, आगे चलते हैं। ये आ रहा बड़ा सा भगोना, देखिए क्या प्राइस है इसकी। और देखिए अभी हम दूसरी शॉप पे आ गए जहाँ पे आपको ना इस तरह की कप वगैरह की कलेक्शन भी मिल जाएगी स्टील। और यहाँ पे देखिए आपको इस तरह की थालियाँ मिल जाएंगी। ये कितने का भैया? एक कलछी वगैरह भी मिल जाएगी। ये भैया 30 रुपये का भी, कितना बढ़िया है ये। और इनके पास आपको देखिए ना ये लंच बॉक्स वगैरह भी मिल जाता है। ये भैया ये कैसे दे रहे? तो अभी मैं आपको दिखाने वाली बहुत ही प्यारा सा मग, ये वाला मग मिल जाएगा जो हुआ है वह स्टील का हो रखा है। इसमें आपको छोटा सा ये मिल जाएगा सब्जी भी रखने के लिए। ये भैया सेल लगा रखे भैया, है भैया सेल है ना। तो देखिए सेल बहुत बढ़िया लगी हुई 30 रुपये में। वाह भाई वाह क्या। और यहाँ देखिए चम्मच और फॉग रखी हुई, ये तो बड़े हल्के हैं और यहाँ कोई है नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे ना बहुत ही प्यारी प्यारी डोलची इस तरह से मिल रही थी। ये आएगी 140 रुपये की रेंज है इसकी तरह का। देखिए ये बहुत ही अच्छा इसमें लेयर, ये ठीक है अंदर से आपको ये लेयर मिल जाए। कोई है नहीं जिनसे मैं प्राइस पूछ पाऊँ, बट आप कलेक्शन देख लीजिए कि आपको क्या क्या ये नॉन स्टिक पैन वगैरह ये आपको मिल जाती है। ये तो देखिए यहाँ पे आपको ये मिल जाती है, इसको सीनी वैसे लोग बोलते हैं। ये कितनी बड़ी सी कितनी, कम से कम 5 से 7 लीटर आ जाएगा इसमें सामान वगैरह बनाना पसंद है तो आप इसको ले सकते हो। प्राइस सिर्फ आपको ये 90 रुपये का मिल जाएगा। ये मशीन देखिए आपको 450 की मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया है सर्दियों में जिनके घर में बड़ी फैमिली होती है। कितने रुपए किलो भैया एक बार में बता दीजिए बस, ये किलो की पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये भैया 125 की पूरा स्टैंड मिलेगा ना, ये 550 भी चम्मच 12 रुपये के फूलदान आपको 12 रुपये का पड़ जाएगा। तो चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम छत्री ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आए हो बच्चे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज है संडे और हम विजिट करने आ गए सदर बाज़ार की पटरी मार्केट। और अभी जो हम विजिट करने वाले हैं वो है सदर बाज़ार की डिप्टीगंज मार्केट, जो कि लगती है संडे वाले दिन पटरी पर बर्तनों की कलेक्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ तक आना कैसे। यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो होगा वो आर के आश्रम होगा। और आर के आश्रम से कोई सा भी कन्वेंस लेके आते हैं तो बिल्कुल आपको 12 टूटी चौक पे ड्रॉप करेगा। और 12 टूटी चौक से जैसे ही आप सदर बाज़ार की पटरी जो लगती है उसके अपोजिट धीरज पहाड़ी धीरे अपोजिट साइड पे जो पहाड़ी धीरज मार्केट है उसके अंदर आएंगे तो आपको जो पहला टर्न मिलेगा राइट हैंड पे वही होगी पहाड़ी धीरज मार्केट, के अंदर लगने वाली डिप्टीगंज बर्तन मार्केट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे कुकर के कलेक्शन मिल जाते हैं। तो जैसे डिप्टीगंज बर्तन मार्केट है तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन के आपको कलेक्शन मिलेंगे, एक से बढ़कर एक कलेक्शन मिलेंगे। ये आ जाता है, ये भैया कितने का है? ये देखिए आप कितने लीटर का है, 2 लीटर का। ये 2 लीटर का कुकर आपको मिल जाएगा 350 रुपये में। और इसी तरह आपको ना बड़े से छोटे साइज सारे साइज आपको मिलेंगे। और इधर आ जाते हैं, ये कितने लीटर का भैया? ये 7 लीटर का है। और इसकी क्या प्राइस होने वाली है? 750। देखिए 7 लीटर का है, ये 750 रुपये की रेंज में आएगा। ये वाला भैया हाँ हाँ रिलायंस 550 रुपये का। देखिए ये ना सारे ब्रांड के अकॉर्डिंग सेल होते हैं, ये 550 का, ये 5 लीटर का है। देखिए ये आ जाएगा 550, ये रिलायंस का कुकर है। तो इस तरह के आपको कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जैसे आते हैं ना, ये पहला आपको जैसे ही आप रोड पे आते हैं तो आपको राइट हैंड पे ये शॉप मिल जाती है और यहाँ पे कुकर के कलेक्शन भैया सेल करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको बास्केट मिल जाएगी, जो बर्तन रखने वाली बास्केट होगी वो आपको मिल जाएगी, स्टील की बास्केट है ये। क्या प्राइस है भैया इसकी? 350। ये आ जाती है 350 की। और ये देखिए आपको ये मिल जाएगा, ये सिलेंडर वगैरह रखने के लिए। वैसे बॉक्स वगैरह जैसे आप बड़े रखते हैं, जैसे कि कुछ टंकी वगैरह है आप इधर से उधर नहीं कर पा रहे तो इस पर आप रख सकते हैं। मोस्टली ये आपको सिलेंडर रखने के लिए ही आता है। ये भैया 150, ये 150 रुपये का इसका आएगा, ये 150 रुपये में आएगी। तो ये देखिए आपको टोकरी मिल जाएगी बास्केट जो सब्जी रखने वाली। भैया इसकी रेंज बताना ज़रा। 350, ये 350 की आ जाएगी। ये डबल लेयर वाली है, इसके नीचे आपको 3 वाली भी मिल जाएगी। देखिए ये 3 वाली भैया, ये 3 वाली आती है तो देखते हैं 3 वाली क्या प्राइस। भैया ये 3 वाली क्या प्राइस है?
650 रुपये का। तो ये हो गया टोकरी, और इधर मिल जाती है आपको बर्तन रखने वाले स्टैंड भी। ये देखिए भैया ये कितने का है? 1050 का है। तो देखिए ये स्टील की आपको मिल जाती है 1050 की। इस तरह से आपको छोटे बड़े सारे मिल जाते हैं। लेकिन भैया के पास कस्टमर है तो इस वजह से हम भैया को परेशान नहीं करते, आगे चलते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आगे हम आ गए, ये बिल्कुल रोड पे ही है, रोड के मतलब दोनों साइड पटरी के दोनों साइड आपको ये ऐसी शॉप मिलेगी। यहाँ पे देखिए जो है भगोने मिल जा रहे हैं। ये आ रहा बड़ा सा भगोना, क्या प्राइस है इसकी? 300 रुपये किलो। ये 300 रुपये किलो है, बहुत अच्छे। ये 300 रुपये किलो मिल रहा है। तो किलो के हिसाब से ये सारे मिलेंगे आपको। ये देखिए छोटा सा है, बहुत ही बढ़िया है छोटा ये। तो इस तरह कलेक्शन आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। 300 रुपये का आ रहा है ये, 300 रुपये का नहीं आ रहा, 300 रुपये किलो आ रहा है। तो आपको किलो वेट करेंगे, जैसे वेट रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपको प्राइस देनी होगी। तो बड़ा छोटा सारा आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको देखिए इस तरह की कढ़ाई वगैरह भी मिल जाएगी। और देखिए अभी हम दूसरी शॉप पर आ गए, जहाँ पर आपको ना इस तरह की कप वगैरह की कलेक्शन भी मिल जाएगी, स्टील के, स्टील के। ये कितने का है? और यहाँ पे देखिए थालियों के कलेक्शन मिल जाएंगे आपको इस तरह से, बड़े वाले जो आपको तसले मिलते ना, तसला उसको मिल जाएगा। भैया वो कितने का है ये तसले कितने के हैं? 100 रुपये का। ये आपको 100 रुपये का मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको इस तरह की थालियाँ मिल जाएंगी। ये कितने का भैया? 130 की। देखिए आपको इस तरह से खाने वाली थालियाँ मिल जाती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है, आपको अलग से बाउल वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, ये काफ़ी अच्छी होती है। और देखिए इसमें आपको ना ये डिजिटल वाली प्रिंट भी मिल जाती है। ये भैया ये देखिए 140 की है, ये मिल जाती है इस तरह से। और ये देखिए छोटी वाली ये तीन का, ये भैया 70 रुपये की है। ये देखिए इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको मिल जा रही, बिल्कुल जैसे आप आते हैं ना, ये पहली शॉप आपको पड़ेगी, सीधे आएंगे ना तो पहली शॉप मिल जाती है, जहाँ पे आपको ये देखिए प्लेन थालियाँ में मिल जाती है, इस तरह डिजिटल प्रिंट वाली भी थालियाँ मिल जाती है। ये भैया छन्ना कैसे है? 80 रुपये का। ये छन्ना आपको 80 रुपये का मिल जाएगा। और इसके पास इस तरह की चम्मच और इस तरह की कलछी वगैरह भी मिल जाएगी। ये भैया 30 रुपये का, भी कितना बढ़िया है, ये 30 रुपये का आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया यहाँ पर मिल जाएगी। और इनके पास आपको देखिए ना ये लंच बॉक्स वगैरह भी मिल जाता है। ये भैया ये कैसे दे रहे हैं? 40 रुपये का। ये देखो 40 रुपये का आपको मिल जाएगा। इनके पास आपको बाउल वगैरह भी है, ये बाउल वगैरह भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर का होगा, वेट इसका बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली बहुत ही प्यारा सा मग, ये वाला मग मिल जाएगा, बढ़िया ना स्टील का है, डिजिटल इस पर प्रिंट भी आएगा इस तरह से कि ये मशीन से प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट निकलता नहीं है। ये क्या प्राइस है भैया? 100 रुपये। ये आपको 100 रुपये में आ जाता है। इसमें आपको छोटे वाले भी सारे मिल जाते हैं। इनके पास आपको इस तरह से लंच बॉक्स वगैरह भी मिल जाएगा। लंच बॉक्स बहुत ही अच्छा है, दिखाते हैं हम आपको अंदर से। अंदर से इसमें स्टील का कवर मिलेगा, देखिए ये अंदर से ना पूरा कवरेज हुआ है, वह स्टील का हो रखा है। इसमें आपको छोटा सा ये मिल जाएगा सब्जी के लिए रखने के लिए। ये भैया 300 रुपये का। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी प्राइस आपको 300 रुपये का मिल जाएगा। और इस तरह से पूरे स्टील वाले जो है ना वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये वाला ये कितने का? 200 रुपये का। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके पास बहुत ही अच्छी मिल जाती है। तो जैसे ही आप आते हैं बिल्कुल सामने शॉप है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और थोड़ा सा आगे हम आपको दिखा रहे हैं, उधर ग्लास के कलेक्शन लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ग्लास जो लगी हुई ना ये काफ़ी सस्ती भैया दे रहे हैं। देखते भैया कैसे दे रहे हो ग्लास? कोई सा भी ले लें, कोई सा भी ले लीजिए, आपको 30-30 रुपये के सेल लगा रखे भैया। है भैया सेल लेना? तो देखिए सेल बहुत बढ़िया लगी हुई 30 रुपये में। वाह भाई वाह क्या बात है, इतनी बड़ी सी ग्लास 30 रुपये में, और इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी, इसका स्टील जो है ना बहुत ही अच्छा है। ये बढ़िया, ये बाउल 30 रुपये का, देखिए ये बाउल भी 30 रुपये का है। तो बढ़िया कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा है। आपको मैं दिखा रही हूँ और भी कलेक्शन इस तरह की, ये देखिए ये 30-30 रुपये के हैं, ये सारे आपको 30 के मिल जाते हैं। देखिए कितना बढ़िया रेंज है, और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। डिज़ाइन आपको बहुत सारी मिलेगी, डिज़ाइन आप चाहे जो ले लीजिए, ये मिल जाएगा। और ये मिल जाता है मग छोटा सा, ये भी आएगा आपको 30 रुपये का। ये बहुत ही प्यारा है ना, 30 रुपये का कलेक्शन है ये, अच्छे ना 30 रुपये का। और क्या ही चाहिए, बहुत ही प्यारे हैं, 30-30 रुपये का है, चाहे जो ले लीजिए, अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे। ये ग्लास की तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, जो हैवी है इसकी, जो हैवीनेस है ना मैं उसकी बात करती हूँ, बहुत अच्छी है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ देखिए चम्मच और फॉग रखी हुई, ये तो बड़े हल्के हैं,
और यहाँ कोई है नहीं, फिलहाल कलेक्शन दिखा दे रहे आपको। तो है ना, ये सारी चीज़ें रेगुलर के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। बढ़िया ये है फॉग वगैरह, ये क्या होता है ना घर में इधर उधर भी हो जाता है, कभी इसके पीछे गिर जाता है कभी उसके पीछे, तो चीज़ें तो बड़ी हो जाती हैं, तो आप इसको भी ले सकते हो। यहाँ पे ये मिल जाएगा 50 के दर्जन के हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे ना बहुत ही प्यारी प्यारी डोलची इस तरह से मिल रही थी, ये आएगी 140 रुपये की रेंज है इसकी। ये भैया 250 ग्राम इसमें आ जाएगा, ये 250 ग्राम इसमें आ जाएगा। कोई भी चीज़ रखेंगे, मैं ना इसको अपने टी वगैरह रखने के लिए ले लूँ जो कि किचन में बहुत सही रहता है, रोज़ रोज़ एक बड़े बॉक्स को निकालना सही नहीं होता, इसलिए मैंने छोटा सा ले लिया जिसमें आपको टी वगैरह बहुत अच्छे से आप इसमें कैरी कर सकते हो। इसकी प्राइस 140 है, इससे छोटा आपको 120 रुपये के रेट में आ जाएगा। तो मैंने ये ले लिया और इनके पास आपको इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि ये आपको सर्विंग ट्रे के टाइप का कुछ आ जाता है, ये बाउल आ जाएगा सर्विंग ट्रे टाइप का। इसकी क्या प्राइस है भैया? हाँ 20 रुपये। देखिए ये आ जाएगा छोटा सा 20 रुपये के रेट में, और इस तरह से आपको देखिए जग वगैरह मग वगैरह आ जाता है। ये क्या भैया? जग, इसमें हैंडल नहीं है, हैंडल नहीं है इसमें। ये कितने का है? 150 का आएगा। और ये क्या भैया? फ्राई पैन, ये कितने का है? 150 का। देखिए ये फ्राई पैन आ जाएगा, और इस तरह से आपको बाउल भी मिल जाएगा, ये देखिए इस तरह का। देखिए ये बहुत ही अच्छा, इसमें लेयर ये ठीक है, अंदर से आपको ये लेयर मिल जाएगी, इतना मोटा जितना दिख रहा है इतना का लेयर मिलेगा। ये कितने का भैया? ये भैया ये ढक्कन लगा के आपको 250 का पड़ेगा। इस तरह से आपको इसमें पीतल का भी मिल जाता है, और इसमें देखिए कांच का भी ढक्कन वाला मिल जाएगा। और ये बड़ी वाली थाली प्लेन वाली, हाँ ये देखिए आपको 180 रुपये का। तो ये सारी चीज़ें देखिए भैया शॉप पे ना आपको टंकी वगैरह भी मिल जाएगी इस तरह से। ये आ रहा देखिए, ये चावल वगैरह आटा वगैरह रखने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। भैया बिजी हैं या खाना खा रहे, तुमको डिस्टर्ब करना बार बार ठीक नहीं है। तो चलिए हम अपने सामान जो लिया उसको पेमेंट करते हैं और आगे चलते हैं। तो देखिए उससे थोड़ा सा आगे आए, बिल्कुल बगल में भैया की शॉप है, उसके बगल आपको इनकी शॉप मिल जाएगी। इनके पास आपको ना बोतल वगैरह के कलेक्शन भी मिल जाएंगे, ये आ जाते हैं बोतल के कलेक्शन। तो इनके पास भी बहुत सारे कलेक्शन है, बट अभी कोई यहाँ पे है नहीं। इनके पास आपको कैसरोल वगैरह भी मिल जाएगा, इस तरह का प्रिंटेड कैसरोल और ये लंच बॉक्स। मैं आपको कलेक्शन दिखा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं जिनसे मैं प्राइस पूछ पाऊँ, बट आप कलेक्शन देख लीजिए कि आपको क्या क्या इस मार्केट में मिल जाता है। ये आ जाता है भैया, ये कितने का है? कोई है ही नहीं किससे पूछूँ। 160 का है, ये देखिए आपको 160 का आ जाएगा। ये आपको इसमें चाय वगैरह रखने के लिए ले जाने के लिए, और ये बोतल 200। तो ये देखिए ये वाली आपको 200 रुपये में मिल जाएगी। ये तो होती है जिसमें आपको टेम्परेचर पता था, लेकिन ये ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मैंने लिया था पर वो ज़्यादा दिन काम नहीं किया। ये वाली भैया 180 का है ये। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको देखिए आपको ब्लैक जो ये कढ़ाई होती है नॉन स्टिक पैन वगैरह, ये आपको मिल जाती है। ये कितने का भैया? 240 का। इसकी प्राइस आपको 240 मिल जाएगी। भैया शॉप बढ़ा रहे हैं क्या? तो देखिए यहाँ पे इस तरह से भैया शॉप अपनी साइड कर रहे हैं, मुझे लग रहा बारिश आने वाली है इस तरह से, इसलिए भैया हम यहाँ पे साइड कर रहे हैं। इनके पास भी आपको बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे, देखिए लंच बॉक्स वगैरह भी मिल जाएगा। तो चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है, कुछ भी लीजिए आपको, बर्तन से रिलेटेड कोई भी चीज़ ले लीजिए, सब कुछ यहाँ मिल जाएगी, थाली प्लेट वगैरह। और इस तरह से देखिए आपको ये जग कितना बढ़िया लग रहा है। भैया ये कितने का है? 60 रुपये का। 60 रुपये का, ये आपको 60 रुपये का मिल जाएगा सिर्फ उसे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये मिल जाती है, इसको सीनी वैसे लोग बोलते हैं, सीनी। इसकी साइज़ देखिए आपको कई मिल जाती है, बड़ी छोटी सारी साइज़ मिल जाती है इसकी। तो देखते हैं इसकी क्या प्राइस है भैया। 350 का सबसे बड़ी वाली, 550। देखिए सबसे बड़ी वाली आपको 550 की मिल जाएगी, ये सबसे बड़ी वाली आपको 550 की मिल जाएगी, सबसे छोटी वाली 350 की, उसके बीच में 400-450 की रेंज की आपको ये सारी मिल जाती है। और ये वाली भैया, ये वाली आपको 450 की मिल जाएगी। इनके पास और भी कलेक्शन इस तरह के मिल जाएंगे, ये देखिए टंकी वगैरह भी रखी हुई जिसे आपको किसी को देना। भैया ये बड़ी सी केतली
कितनी बड़ी सी केतली, कम से कम 5 से 7 लीटर आ जाएगा इसमें सामान, चाय वगैरह। भैया भैया जी, भैया जी, ये बड़ी वाली केतली 350 रुपये किलो है, तो कितनी किलो की ये होगी उसी अकॉर्डिंग चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए, जैसे हम भैया की शॉप की बहुत बारी वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने देखा भी और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया उस वीडियो पे। तो देखिए, वापस से हम आ गए उनका कलेक्शन लेके। इनके पास देखिए आपको ना ये मशीन भी मिल जाएगी जो साग काटने वाली, सर्दियों में इसकी बहुत नीड होती है। भैया ये कितने का है? ये मशीन देखिए आपको 450 की मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया है। सर्दियों में जिनके घर में बड़ी फैमिली होती है तो साग वाग काटने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप इसको ले सकते हो। इसकी प्राइस जो है ना वो 450 रुपये है। और ये प्लेट भैया? अच्छा, 270 रुपये के जी, 270 रुपये के जी ये तोल से मिलती है। इसमें आपको डिज़ाइन मैं दिखा देती हूँ, प्राइस तो वही होगी ना। और ये डिज़ाइन देख लीजिए, इसमें आपको डिजिटल डिज़ाइन होती है ना, इसको डिजिटल बोलते हैं। ये देखिए ना, लेज़र लाइट, ये लेज़र डिज़ाइन है, लेज़र इसको बोलते हैं। ये आ रहा है 240 रुपये के जी के अकॉर्डिंग मिलेगी। और ये आप ये देखिए मिल जाएगी इस तरह की, आपको प्लेट वगैरह भी मिल जाती है, इनके बाउल ये सारी ना तोल के हिसाब से होगी, इसलिए मैं इसका रेट आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि तोल के हिसाब से लेंगे ना तो आपको ये सही पड़ेगा। भैया इनके पास आपको इस तरह की बड़ी वाली कलछी वगैरह भी मिल जाती है। ये देखिए ये आ रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये आपको मिल जाएगा डोंगा सीट, ये सारे भी आपको। भैया ये कितने में पड़ेगा? कितने रुपए किलो? भैया एक बार में बता दीजिए बस, ये किलो के हिसाब से तोल के आएगा। ये हाँ, ये 3 पीस का सेट होगा 1250। ये 3 पीस का पीस का सेट आपको 1250 का मिल जाएगा। ये वाला, ये वाला 1350 का। और ये सारे, ये आपका स्टील है ना, ये हाँ, आप 3 पीस का लोगे हाँ, तो 1600 रुपए की है, 5 पीस का लोगे तो 1800 रुपए का। आपको ये दोनों रेंज पता चल गया, तो ये शॉप आपको मिल जाएगी। देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, एक बार आप आते हैं ना तो यहाँ का कलेक्शन आप देख लोगे ना, तो आप बिना ले जाओगे नहीं। अगर आपके घर में शादी विवाह या आपको गिफ्ट देना है तो यहाँ से आप सारी चीज़ें परचेस कर सकते हो। अगर आपको पूरा मुझे इनका पूरा डिटेल्स आपको चाहिए तो मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, आपको इसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये भैया, ये आपका 120 की है। ये क्या है ये? आप कोई जैसे वो होता है ना तावा एक तरह से, ये मतलब ये रोटी सेकने वाली है ना, रोटी सेक, इसमें रोटी सेक सकते हैं आप। तो और भी कुछ बनाना हो आप लोग को पता होगा, मुझे वैसे पता नहीं है भी सेकनी किस चीज़ में यूज़ होता है। और ये देखिए चम्मच स्टैंड मिल जाएगा। भैया ये कितने का है? ये आपका 550। 550 की पूरा स्टैंड मिलेगा ना, ये 550 विथ चम्मच, पूरा चम्मच के साथ आपको 550 मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे आपको पीतल वाले भी बर्तन मिल जाते हैं, सबके प्राइस ना आपको तोल के हिसाब से ही बता पाएंगे भैया। और इस तरह से देखिए आपको कितना बढ़िया, ये क्या भैया फूलदान है? फूलदान, ये फूलदान कितने का है? ये पड़ जाएगा आपको 1200। 1200 रुपये का ये फूलदान आपको 1200 रुपये का पड़ जाएगा। तो चलिए सब से आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच, बाय।